इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका डेली न्यूज में स्वागत है। यह 22 साल की लड़की बीकॉम करने के बाद भी बन गई साध्वी, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। आज हम आपको ऐसी लड़की के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बीकॉम की पढ़ाई के बाद भी साध्वी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की का नाम जया किशोरी है। जया जी ने जैसी साध्वी बन गई हैं, इनकी वजह से आपको जानकर हैरानी हो जाएगी। जया का जन्म 13 जुलाई 1996 को जूनागढ़ स्थान राजस्थान में हुआ था, किंतु ये कोलकाता में रहती हैं। बहुत ही कम उम्र में जया किशोरी जी ने अपने को ये दिखा दिया कि वो भगवान कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। जया किशोरी जी के माता पिता जी, दादा दादी के नाना नानी जी और आशीर्वाद से आज पूरा देश में भारत के भगवान का नाम, भगवान की आस्था बांट रहे हैं। जया जी की उम्र बहुत ही कम है। जिस उम्र में किताब के पन्नों को पलटना चाहिए, विद्यार्थी जीवन जीना चाहिए, उस उम्र में जया ने भगवद गीता के अन्य नानी बाई को मायरो नरसी में भात जैसी कथाएं दुनिया को सुनाती हैं। ऐसा कि कथा में चलते जया ने पढ़ाई छोड़ दी और आज भी समय निकालकर पढ़ाई करती हैं। उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली है। जया की साध्वी बनने का मुख्य वजह है जो जया खुद बताई हैं। जया की अनुसार जब बचपन में भगवान कृष्ण की बहुत ही लगाव था, हर समय वो भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। एक दिन वह मन में आया कि माया मोह छोड़कर भगवान की भक्ति में ही लीन हो जाए। उन्होंने अपने माता पिता पर परिवार के सभी सदस्यों से राय ली, उन्होंने उनका सहयोग किया और आज भी कम होने के बाद भी जया और साध्वी आज जया किशोरी पूरी भारत में जानी जाती हैं। जया का सोशल मीडिया पर बहुत ही काफ़ी एक्टिव रहती हैं और सोशल मीडिया पर 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।